कर लेगा ना सेठ, मिस्त्री ने ना बुलाना पड़ेगा, कर लेगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? आई होप सो बढ़िया हो गए। अभी मॉर्निंग के 9 बज चुके हैं। तो घर का ऐसा कुछ है सीन कि अभी ऐसा पार्ट बाकी है करने को, बाकी नीचे का, बाकी ऑलमोस्ट सब खत्म ही हो चुका है। या लगता है आज काम नहीं हो रहा है क्योंकि सबको आज रेस्ट करने का मन कर रहा है, क्योंकि लगातार करीब 10 दिन से काम चालू है ना, तो सब थक गए हैं बिल्कुल से। अभी चल रहे हैं हम गाड़ी धोने के लिए, क्योंकि इसको बोल रहे हैं धोने के लिए, धो दो गाड़ी तो धो नहीं रहा, नहीं ऐसा गाड़ी ना बिल्कुल से गंदा हो चुका है। वैसे तो बरसात है तो मैं धोएंगे फिर गंदा होगा, बट कोई नहीं, गंदा रखना नहीं चाहते क्योंकि यार खुद साफ रहेंगे तो गाड़ी को भी साफ रखना जरूरी है। फिलहाल सेट करते हैं टंकी, उसके बाद ले चलते हैं खेतों में, खेतों में इसको मस्त धुलाई करते हैं। चल चल चल, धुलाई करते हैं इसकी। धुलाई करते हैं, धुलाई। फिलहाल भाई साहब गाड़ी वाड़ी धोना तो हो चुका है एंड अभी चल रहे हैं बिल्कुल से मार्केट। आज मौसम सही कर रखा है, बिल्कुल से धूप नहीं कर रखा है ना संतोष? अरे यार आज मौसम सही कर रहा है, बारिश नहीं कर रखा है, मैंने बोला धूप नहीं कर रखा है ना। ऐसा एक्चुअली हम लोग आए थे बैंक में, बैंक का काम तो हो चुका है ना संतोष? संतोष एक्चुअली अभी रईस हो गया, खूब पैसा निकालता है बैंक से, इतना इसका आता है ना स्कूल से, टोटल पैसा इसका स्कूल से आ रहा है। तो फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट मार्केट, एक्चुअली कुछ सामान वगैरह खरीदना है इसलिए बैंक में। एक्चुअली मेरा भी नींद जैसा आ रहा है, अभी दोपहर का टाइम है ना, बाइक तो बिल्कुल चलाने का मन नहीं कर रहा। संतोष चलाओ तुम। फिर सबको पता चलेगा कि सब तो हमें घर पहुंच जाएंगे, तुम चलाएगा सर। फिलहाल इधर आए हुए सामान लेने के लिए, एक्चुअली ले रहा है संतोष ये नल वल का सामान है ना, ये लो बढ़िया है ना। भाई मिस्त्री साहब ये है, यही सब चीज़ सेट करेगा, क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना है ये सब दिमाग लगा के घर से आया, इतना सारा पैप भी ले लिया है। भाई साहब इधर पैप वैप लेना था वो तो ले लिया, हैंड अब लेके चलते घर पर, बाकी मिस्त्री साहब तो आ ही रहा पीछे से, सेट कर लेगा वो सारा चीज़ खुद है ना। चल चल चल, कर लेगा ना सेट, मिस्त्री ने ना बुलाना पड़ेगा, कर लेगा। फिलहाल गाइस उधर का जो भी काम था वो तो डन हो चुका है, अभी हमारा काम है उसको सेट करना अच्छे तरीके से, बिल्कुल से यहाँ से वहाँ ले जाना है अंदर। तो फिलहाल का सीन ऐसा है गाइस, अभी ना सर घर का सारा काम डन हो चुका है, जो भी पाइप वाइप का काम कर रहे थे एंड अभी चल रहे हैं मार्केट। मुझे ना एक्सटेंशन बोर्ड लाना, क्योंकि उसमें 2-3 चार्जर रहता है तो चार्ज करने में आसान होता है, और कहीं भी जाते तो चार्ज करने का प्रॉब्लम होता है, तो उसे कहीं भी कैरी कर सकते। गाइज हमारा मेन काम था ना अपने गाड़ी के लिए बरसात के लिए ना, वो तो ले लिए क्योंकि यार गाड़ी बहुत ज़्यादा भीग जाता था। एक्चुअली सीन ये है गाइज, जो भी सामान लेना था वो तो ले लिए, बाकी ना बीच में बारिश पड़ने लगा, ये देखो बिल्कुल से बारिश बारिश हो रखा, हर बारिश में फंस गए थे तो कुछ टाइम रुक गए, उसके बाद अब चल रहे घर पे। इतना सामान ले लिए बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसको होता है क्या, एक ही चीज़ हमेशा बोलते वो है ले जाने का, अब मुझे ना अपने गाड़ी में डिक्की लगाना पड़ेगा, अब तभी कुछ होगा। गाइस अभी ना गाड़ी से पिछू लिए थे, गिर गए थे, हाँ संतोष खाल देखो बिल्कुल से नेट गया अभी संतोष। एक्चुअली गाइस हम ना ये लाए थे गाड़ी का कवर, अब उतना दिक्कत नहीं होगा, आराम से ढक गया है, बारिश नहीं पड़ी। हम कह रहे थे ना कि आप तो चल गए बाजार, हाँ हम तो नहीं गए, क्यों हालत खराब हो गया, अब काम लगा कर मुझको पछो के चल जाते हैं। हम लाए थे उस टाइम एक्सटेंशन बोर्ड, और देखो एक्सटेंशन बोर्ड हमारा उस तरह से लगा हुआ चार्ज में, एक्चुअली ले आए कि कहीं भी जाते हैं ना ट्रिप व्रुप पे तो फिर चार्ज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और बाकी मम्मी इधर खाना वाना खाने में लगी हुई है। हमारा रूम ना आज भी पेंट वेंट नहीं हुआ, आधे पर रहकर छोड़ दिया, इसने किया ही नहीं, देखो आधा उधर किया हुआ आधा इधर किया हुआ बाकी छूटा हुआ, तो फिलहाल कल हमें करना पड़ेगा, तो कल करेंगे पेंट वगैरह, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है घर में, तो जल्दी ही कम्प्लीट होगा, उसके बाद फिर मस्त से कहीं चलेंगे। तो भाई इसका देखो पढ़ाने का स्टाइल क्या है यार, ऐसे कौन पढ़ता है? ठंडा लग रहा है, देखिए हाथ घुसेले दिन भर खटवे करते हैं, रात के भी खटाते हैं मम्मी। एक्चुअली पापा अभी गए हुए काम करने के लिए ना रात में, उसमें कारण है किसका बता दे, आपका आप मसाला तो खटाते नहीं, मसाला बनाकर चल जाते हैं, हम पर छोड़ देते हैं, पापा छोड़ देते हैं। तो रात को करना पड़ता है पापा ना, ये सब को पैसा देते हैं करने का, ठीक है इसलिए ये सब करता है ना। ये देखिए 30 रुपया भी मिला है। कौन दिए 30 रुपये? 20 रुपये पापा दिए हैं, 10 रुपये भैया दिए है। कितना मिला? 1 रुपया ना। मम्मी 1 रुपया ना। मम्मी को भी 1 रुपया नहीं मिला। हमारा घर में काम करने का सब पैसा लेता है, देख लो ये सब पैसा लेता है काम में।
घर का सरदार बन चुका है तो अभी जो है ना फुल मस्ती जो फुल मजा है ना वो अभी घर का वो संतोष उठा रहा है क्योंकि सारा काम इसे जाता है और जो सामान वगैरह लाना होता है ना वो यही लाता है उसमें से ना पैसा बचता है तो यही रखता है। इसकी ये भी मजे चल रहे हैं। घर में काम की वजह से ना मतलब ब्लॉग ना ज़्यादा निकल नहीं पा रहा, ज़्यादा शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि घर ना बिल्कुल बिखरा पड़ा है, तो इस वजह से आज का ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। तो आज का ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, सो बस यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, सबसे कीमती वक्त निकालकर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।